सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इट्स आर के ब्लॉग्स। तो गाइस, ये वीडियो ब्लॉग नहीं होने वाला है, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर के आप दिखाने के लिए। तो वो क्या है, सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है अमेजोन से एक्शन प्रो कैमरा नहीं है गाइस, इसे कैमरा मत समझ लेना, ये कैमरा नहीं है। तो ये है एक्शन प्रो का चिन माउंट, जो मैंने मोटो ब्लॉगिंग के लिए मंगाया है। तो आई होप कि यार ढेर सारे लोग होते हैं जिन्हें मोटो ब्लॉगिंग करना होता है, बट उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपने इतने महंगे महंगे कैमरे परचेज कर सके, गोप्रो या तो अदर बहुत सारे कैमरे होते हैं जो 20,000 से ऊपर के रेंज में आते हैं, 40,000 तक के एक्शन कैमरे आते हैं। तो इतना स्टार्टिंग में यार सभी के पास उतना पैसा नहीं होता था कि स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो गाइज, लोग चाहते हैं कि यार वो क्यों ना उनके फ़ोन से ही कुछ वैसा शूट हो जाए। तो गाइज, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, तो गाइज वो सारी चीज़ें इसमें भरी हुई है। सो मैं अभी आप सभी को इसको ओपन करूँगा और दिखाऊँगा, और इससे हेलमेट पर कैसे माउंट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। वैसे तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी थी, बट मैंने सोचा कि आपके सामने भी एक बार अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो गाइस, ये रहा हमारा वो एक्शन प्रो, देख सकते हो। तो इस फिलहाल इस डिब्बे को साइड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा एक्शन प्रो, अब हम इसे ओपन करते हैं और इसमें कितनी सारी चीज़ें दी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ वन बाई वन। तो गाइज, ये है पहला जो कि हमारे हेलमेट पर माउंट होने वाला है, तो देख सकते हो। तो ये हो गया एक पहला सामान, ये दूसरा, ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसे भी रखते हैं फिलहाल अभी साइड में। और ये है तीसरा हमारा मोबाइल होल्डर, जो कि ये भी बहुत काम आता है। मेन हमारा सबसे मेन चीज़ ये जहाँ पे हमारा मोबाइल मतलब लगेगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो इसका काफ़ी हैवी होना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। और गाइज, लास्ट में बचे हैं ये दो स्क्रू, तो देख सकते हो मैं ये भी इसमें अटैच होंगे। तो वो कैसे अटैच होंगे मैं सभी को लगा करके भी आपको एक बार दिखाऊंगा। और फाइनली ये रबड़ दिया हुआ है मोबाइल को ऐसे चारों तरफ से कवर करने के लिए, ये स्पाइडरमैन का जाला भी से आप कह सकते हो। चलते हैं, इसको सभी को लगाते हैं अपने हेलमेट में और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अब बारी है इन सारी इक्विपमेंट को अपने हेलमेट पर माउंट करना, और फ़ोन को अटैच करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। और गाइस, मेरे पास ये हेलमेट है स्टील बट का, और ये ओरिजिनल हेलमेट तो नहीं है, बट हाँ मतलब फिर भी काम चलाने पर हो जाएगा इसे मोटो ब्लॉगिंग। और इसमें आप देख सकते हो ये हेलमेट पैडिंग वाला है, जिसमें यहाँ पे साइड में आप माइक भी छुपा सकते हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा, आप कोई सा भी हेलमेट ले सकते हो, बट उसमें ये पैडिंग होना चाहिए जिसमें कि आप साइड में अपना माइक या फिर ईयरफोन का भी यूज़ करके आप इसमें साइड में यहाँ पे डाल करके आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, कि वीडियो शूट करते के साथ साथ आप उसे वॉइस रिकॉर्ड भी आप उसमें कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अभी लगा करके दिखाता हूँ, इसमें माइक भी अटैच करके दिखाऊंगा, और उसके बाद क्या आवाज़ आती है, कैसी आवाज़ आती है, सो वो सब दिखाऊंगा। तो चलिए पहले इसमें सारी चीज़ों को अटैच करते हैं। फाइनली हमने इसमें इसे अटैच कर दिया है, और इसे कैसे अटैच किया तो मैं अभी आप सभी को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अंदर की साइड में, ठीक है, तो ये देख सकते हो ये अंदर की साइड में यहाँ पे ये लॉक होता है, इन दोनों लॉक में इसे डाल करके और इसे अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे कि ये हिले ना। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें अपने फ़ोन को अटैच करेंगे, और ये रहा हमारे पास माइक। तो अभी जो मेरी आवाज़ आपको आ रही है वो विदाउट माइक आ रही है, तो अब हम इस चीज़ को, इस माइक को इस हेलमेट के अंदर डालेंगे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इससे आवाज़ कैसे आती है, और इसमें फिलहाल पहले आपको फ़ोन को अटैच करके दिखाते हैं। गाइस, ये रहा अपने पास फ़ोन, और अब इस फ़ोन को इसमें अटैच करके दिखाता हूँ मैं आपको कि आपको ये कैसे देखने में, तो इसको अटैच करके मैं दिखाता हूँ कि इसको देखने में कैसा लगता है जब ये इसमें
एकदम से अटैच हो जाता है। तो अभी भी इसके साइज का नहीं हुआ और काफ़ी खोलना पड़ेगा, तो लगभग मैं इसे पूरा खोल ही देता हूँ, तो अभी भी नहीं हो रहा, अब हो गया। बस इसका पावर बटन बचा करके इसको टाइट कर देना है, और इसको इतना दम टाइट कर देना है गाइस की बस ये कहीं भी गिरे ना। तो गाइस आप देख सकते हो दिस वाज अ मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, आपका हो गया है तैयार। तो अब आप इसके लिए रेडी हो, अभी मैं इसमें आपको माइक लगाऊंगा, माइक लगा करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी आवाज़ में आप सभी को चेक करके दिखाऊंगा कि कैसी आती है। तो गाइस फाइनली मैंने इसमें माइक भी अटैच कर दिया, तो देख सकते हो ये वायर थोड़ा बाहर आ गया है, और आपको मैं अंदर दिखा दूँ। तो देख सकते हो अंदर मैंने यहाँ पे माइक लगाया है, और ये थोड़ा वायर छोड़ दिया है फ़ोन पे कनेक्ट करने के लिए। तो अभी मैं इसको अभी फ़ोन से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ़ोन को इसके साथ अटैच कर दिया है, और अभी मैं आपको चल के एक राउंड मारता हूँ अपने गाड़ी से, और आपको दिखाता हूँ कि कैसा आता है इसका एंगल। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलते हैं सीधा एक्शन कैमरे वाले मोड में, मतलब समझ ही नहीं। तो गाइज अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मोटो ब्लॉग। एक्चुअल में गाइज आपको बताऊँ तो ये फ़ोन का जो कैमरा है ना वो मेरे सामने आ चुका है, जिस वजह से मुझे नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे चलने में। और अभी तो पब्लिक रिएक्शन गाइज बाकी है, और ये देख सकते हो अपनी एक्सेस। तो गाइस अब मैं से 3 दिन बाद आज करने वाला हूँ स्टार्ट, तो देखते हैं क्या सीन है इसका। तो गाइस ये अपने यूट्यूब चैनल का लोगो देख सकते हो, एड्स आर के ब्लॉग्स। तो गाइस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या कर रहे हो गाइस, जाते हो वीडियो देखते हो यार, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो क्या कर रहे हो यार, बस आते हो देखते हो और चले जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार याद से। तो चलो पहले गाड़ी को करते हैं टर्न एंड बाहर निकालते हैं पहले, और इन सब सारी चीज़ों को इग्नोर करो गाइस। तो गाइस अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है बाहर, और इसमें हवा थोड़ा कम है, तो दिन चलते हैं और इसमें पहले थोड़ा हवा हवा डलवा। ओ भाई इसको पंचर हो रखा है अब, एकदम नहीं है ना। ओ भाई साहब गाड़ी का तो यहाँ तो काम ही खराब हो गया, तो यहाँ तो गाड़ी का तो गाइस यार पूरा पंचर हो रखा है। तो गाइस फाइनली हमारा जो टायर का हवा ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने यहाँ से भैया से भरवा लिया देख सकते हो। तो देन अभी चलते हैं आगे। तो गाइस इसका एंगल कैसा जा रहा है वो सब तो मुझे नहीं पता, आई होप कि आपको पता चल रहा हो, तो चेक करो गाइस सही है या फिर नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो इसका एंगल शायद मुझे पता ना चल रहा हो, और मुझे देखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और हेलमेट इतना ज़्यादा भारी हो चुका है गाइस यार कुछ बता नहीं सकता, बार बार ये हेलमेट ससर के मतलब मेरे आँख पे चला रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम रहा है। मोबाइल मेरा इतना ज़्यादा हैवी है, अगर यही मैं अगर गोप्रो से करता तो शायद इतना ज़्यादा हैवी ही नहीं होता मेरा हेलमेट, बट जहाँ पे भी जंप वंप होता है गाइस वहाँ पे मेरा हेलमेट मेरे आँखों पे चलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, अभी भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं। तो गाइस यार पब्लिक रिएक्शन देख सकते हो यार, जिसको देखो मुझे ही देख रहा है कि बंदे ने क्या लगा रखा है। तो गाइस उसे मैंने छोड़ दिया एंड देन अभी हम चलते अपने घर की ओर, क्योंकि गाइस यार फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का फील हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो यार ये रहा हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बस, बट इसमें बहुत ज़्यादा ये रिस्क हो जाता है, मतलब रिस्क फ़ोन का तो नहीं होता, फ़ोन पर एकदम टाइटली रहता है, बट रिक्स ये हो जाता है ना कि जब भी झटका लगता है ना तो गाइस ये जो हेलमेट है ना ये यहाँ से ऐसे आ जाता है, मेरे आँखों पे पूरा चढ़ जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मेरा हेलमेट स्लिप कर रहा, शायद मेरा सर छोटा इस वजह से और हेलमेट थोड़ा बड़ा इस वजह से ये आगे की ओर चला आता है। तो अगर कोई हेलमेट अगर आपके साइज़ का है तो उसमें ऐसा नहीं होगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा हैवी होगी ये ऐसे चलाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है मुझे गाड़ी चलाने में, और गाड़ी चलाते चलाते मेरा आँख ढक जाता है, जिस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो गाइस यही सारी दिक्कतें हैं मोटो ब्लॉगिंग और मोटो ब्लॉगिंग गोप्रो से और मोबाइल से, यही सारी चीज़ें, मतलब गोप्रो होता है तो वो इतना छोटा सा होता है, उसका वज़न तो लगभग ना के बराबर ही समझ लो, तो उसमें तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये जो मोबाइल का वज़न गाइस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ भी झटका लगता है तो हेलमेट डाउन हो जाता है और मेरा आग ढक जाता है, तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। बट अब मुझे देखना है कि अपने सर में कुछ ऐसा हैवी सा डालना है जिससे कि हेलमेट
सड़क के वो आगे की ओर ना है। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।